हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यार आ चुके हैं आज हम फिर एक बहुत ही कमाल की वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने पबजी प्लेयर आईडी जो होती है, यानी कि जो आपका नाम होता है, वो किस तरीके से कुछ ऐसा लिखें जो कि एकदम प्रो प्लेयर की तरह लगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी आपके टॉप के प्लेयर होते हैं उनका जो नाम होता है वो कुछ यूनिक सा होता है, जिससे कि देखते ही पता चल जाता है कि हाँ वो एक प्रो प्लेयर है। तो अगर आप भी इसी तरीके से अपने नेम को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपने काफ़ी सारे तरीके के सिंबल भी यूज़ किए होंगे तरह तरह की एप्लीकेशंस के साथ, लेकिन वो सिंबल आपके जो पबजी के फिल्टर है उसमें मैच नहीं होते, यानी कि आपके जो पबजी की आईडी है उसमें शो नहीं होते हैं। लेकिन गाइस, आज मैं आप लोगों को जो एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूँ, इस एप्लीकेशंस के मदद से आप जो भी सिंबल को यूज़ करेंगे या फिर जो भी डिज़ाइन आप यूज़ करेंगे अपने पबजी प्लेयर आईडी के लिए, तो वो आपको पहले ही से बता देगा कि ये अवेलेबल है आपके पबजी मोबाइल पे या फिर नहीं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको इस तरीके की थीम अपने मोबाइल पे अप्लाई करनी है तो उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखी है, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में। वहाँ से आप इस वीडियो को देख के इससे भी अच्छी अच्छी थीम को अपने फ़ोन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने एप्लीकेशन की तरफ। तो कुछ इस तरीके की आपको ये एप्लीकेशन देखने मिलेगी, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऊपर के साइड पे, योर नेम। तो हम यहाँ पर अपना नेम डाल लेते हैं कोई भी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लीजेंड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लीजेंड, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर काफ़ी सारे यूनिक तरीके के डिज़ाइन भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो स्टाइल है वो मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सिंबल मिल जाते हैं, तो यहाँ पर जो भी सिंबल यहाँ पर शो होते हैं वो आप पहले से ही चेक कर पाएंगे कि ये सिंबल आपके फ़ोन में यूज़ होगा या फिर नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे कोई भी सिंबल ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ ये वाला सिंबल। तो मैंने ये वाला एक सिंबल ले लिया है, आप देख सकते हैं ये लीजेंड आर या फिर लीजेंड 7 जैसा दिख रहा है। तो सिंपली आपको सिंपली करना है, यहाँ पर आपको नीचे साइड पर आना है और यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन है वो आपको दिख जाएंगे, यानी कि किस किस तरीके से आप इसे अपने फ़ोन में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये वाला सिंबल देख लेते हैं, यानी कि ये थोड़ा सा सही लग रहा है, तो उसके नीचे भी देख लेते हैं जो भी डिज़ाइन है यहाँ पर। तो मैं ये वाला देख लेता हूँ, ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा कॉपी पे। तो जैसे कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जैसे ही कॉपी पे क्लिक किया है तो यहाँ पर पास पास लिखकर आ चुका है, यानी कि आप इसे पबजी पर भी अप्लाई कर सकते हैं, COD पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्री फायर पर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसे फोर्टनाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी गेम की जो प्लेयर आईडी है उस पर आप इस नेम को अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको पहले से बता देगा। और मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी दिखा देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए अगर ये अप्लाई नहीं होता तो किस तरीके से आपको पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर कोई एक बहुत हार्ड सा कोई नाम ले लेता हूँ, जो जैसे कि मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये नेम काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये पबजी पे अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर देखिए फैल लिखकर आ चुका है, और ये एपेक्स लेजेंड पर भी अप्लाई नहीं होगा। अगर आप COD में इसे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर फ्री फायर पर या फिर फोर्टनाइट पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये जो नाम है वो आपका आ जाएगा, लेकिन आपका ये पबजी में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरीके से आप पहले से यहाँ पर ही देख सकते हैं कि आपका जो नाम है वो अवेलेबल है या फिर नहीं। और कोई एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने किसी भी सिंबल के लिए या फिर डिज़ाइनिंग के लिए, तो वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो गाइस, आई होप कि आपके मैरिज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपके मैरिज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।